स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। तो गाइस जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि काफी सारे धमाके हैं जो कि अपने होते रहते हैं वाईफाई स्टडी पे, बहुत सारे से आप लोगों के लिए चैनल से जो कि स्टार्ट किए हैं जिसके लिए आपकी प्रिपरेशन दोस्तों एक मजबूत हो सके। और लॉकडाउन के अंदर भी दोस्तों ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी टाइम से बच्चे डिमांड कर रहे थे, काफी टाइम से बच्चे बोल रहे थे कि सर टीचिंग एग्जाम के लिए क्या करें, टीचिंग एग्जाम के लिए क्या करें। तो फाइनली दोस्तों टीचिंग एग्जाम के लिए एक बहुत बड़ा धमाका है दोस्तों जो कि आपके लिए यहाँ पे आ चुका है। और मेरे साथ दोस्तों आपके तीन टॉप एजुकेटर जो कि आपको पूरा रास्ता दिखाएंगे किस तरीके से आप अपने एग्जाम के अंदर सक्सेस पा सकते हैं, चाहे वो सीटेट हो, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे एमपी टेट हो, या हरियाणा का हो, राजस्थान का हो, कोई पंजाब का हो, किसी भी राज्य का कोई भी अगर टीचिंग एग्जाम है, चाहे केवीएस का हो, सभी एग्जाम की जबरदस्त तैयारी है जो कि हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे ज्वाइन कर सके, उसके बाद में हम लोग डिस्कशन करेंगे वन बाय वन की आप लोगों को कौन कौन पढ़ाने वाले हैं, एक्सपीरियंस है जो कि हम लोग शेयर करेंगे कि कैसी क्लासेस है जो कि आपको मिलने वाली है अनअकैडमी टीचिंग एग्जाम के चैनल के ऊपर। अगर आप दोस्तों टीचिंग एग्जाम कोई देते हो दोस्तों, अगर आपके घर में कोई देता है या फिर आपके कोई अड़ोस पड़ोस के अंदर आपको कोई मित्र है जो कि टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तुरंत उसको बोलो कि अनअकैडमी टीचिंग एग्जाम नाम का जो चैनल है तो चैनल को ज्वाइन कर ले। ज्वाइन करने के बाद में सारी क्लासेस उसको मंडे से बैक टू बैक जो है वो मिलने लगेगी। गाइस एक बार जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, अपने टेलीग्राम पे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे विनीत सर से, रोहित सर से और संदीप सर से मिलने वाले हैं। जो बच्चे टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए कोई भी नया नाम नहीं है, विनीत सर, रोहित सर, संदीप सर जानते हैं ऑलरेडी, क्योंकि काफी टाइम से ऑलरेडी ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर इनको महारत हासिल है और बहुत सारे वीडियोस हजारों बच्चों ने इनके ऑलरेडी देखे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए जल्दी से। बिल्कुल यहाँ पे अनिल बोल रहे हैं कि सर सीटेट के लिए है क्या, अनिल, गौतम, यस, एमपीटेट, सीटेट सभी के लिए है दोस्तों। ठीक है तो एक बार जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए। और यूजीसी नेट के लिए ऑलरेडी अनअकैडमी यूजीसी नेट चैनल चल रहा है स्वाति, वहां पे आपको एजुकेशन क्लासेस की अवेलेबिलिटी हो जाएगी, पेपर सेकंड का भी अवेलेबल हो जाएगा, डोंट वरी, आप एक बार ज्वाइन कर सकते हैं उसको। ठीक है एमपीटेट यूपीटेट सबकी क्लासेस दोस्तों स्टार्ट हो जाएगी। हाँ यहाँ पे थोड़ा सा बर्ड्स की आवाज आ रही है, तो नेचर, ओके, नेचर का भी फील आ रहा होगा क्योंकि हमने यहाँ पे विनीत सर जो कि छत पे आई गेस। ठीक है तो ठीक है तो अच्छी बात है यार, मतलब बर्ड्स की आवाज आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, कहाँ सुनने को मिलती थी लॉकडाउन से पहले, ओके अभी सुनने को मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है गाइस तो यहाँ पे सीएसआईआर मैथमेटिक्स के लिए भी सूरज वर्मा जल्दी स्टार्ट करेंगे। यस मोहित, फ्री क्लासेस है, अनअकैडमी टीचिंग एग्जाम आप लोग के लिए लॉन्च किया गया है, रिट लेवल प्रथम के लिए भी और सभी के लिए क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट है जो कि कर दी जाएगी। एक बार तुरंत वीडियो को शेयर कर दो अपने व्हाट्सएप पे, ग्रुप पे सभी के लिए। चलिए एक बार जल्दी शेयर कर दो अपने व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, सभी जगह पे गाइज। हाँ बिल्कुल सारे टीचिंग एग्जाम के लिए अवेलेबल है दोस्तों ये चैनल आपके लिए। और अच्छी बात है यार, पीछे चिड़िया की आवाज आ रही है ना, ज्वाइन किया हुआ है क्या, चलो बहुत अच्छी बात है ना। तो अनअकैडमी टीचिंग एग्जाम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर से आप चैनल को दोस्तों क्या कर सकते हो, वहां पे आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो अनअकैडमी टीचिंग एग्जाम को। चलिए जल्दी से चलते हैं अपने विनीत सर के पास में, विनीत सर अपने बारे में बताएंगे आपको दोस्तों। पहले विनीत सर के बारे में मैं थोड़ा बहुत आपको बताया था दोस्तों, टीचिंग का लार्ज एक्सपीरियंस है, विनीत सर को पिछले 6 साल से हजारों बच्चों को पढ़ा चुके हैं और इंग्लिश के महारथी हैं दोस्तों। अगर आपने किसी भी टीचिंग एग्जाम का कोई भी चैनल ज्वाइन किया हुआ है तो आपको जरूर से विनीत सर के वीडियोस देखने को मिले होंगे, समझ लो, ना सिर्फ आपके टीचिंग एग्जाम और भी बहुत सारे एग्जाम की उन्होंने तैयारी करवाई है। इसके अलावा पिछले 6 महीने से बहुत सारे बच्चों को दोस्तों ऑनलाइन एजुकेशन जो है अवेलेबल करवा चुके हैं। आपको आने वाले टाइम पे इंग्लिश लैंग्वेज और जो पेडागोजी है, पेडागोजी है, वो आपको ये क्लासेस अवेलेबल करवाने वाले हैं। तो विनीत सर क्या बताएंगे बच्चों को कैसे तैयारी है जो कि सीटेट की और बाकी एग्जाम की करनी चाहिए। हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, मैं विनीत द्विवेदी। एक्चुअली सर मैं इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश पैडो को लेकर यहाँ पर काफी कंसर्न, कई बार मैं ऑनलाइन जब क्लासेस लेता हूँ तो वहाँ पे कमेंट्स में पढ़ने में आता है कि सर कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं जो ट्रेडिशनल होते हैं वो इजी हो जाते हैं, लेकिन जो पैडो से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है।
तो उसके लिए मैंने काफी अच्छी तरीके से उनके लिए क्वेश्चंस और वेरिएशंस के हिसाब से तैयार किए हैं, ताकि जो अपकमिंग एग्जाम है 2020 का जो सीटेट का जुलाई में है, ड्यू टू लॉकडाउन अभी नहीं है लेकिन फिर भी होप सो वो जल्दी होगा, तो उसके ऊपर काफी ज्यादा वर्क ऑन किया हुआ है। तो आने वाले क्लासेस में मैं उस तरीके के कंटेंट को प्रोवाइड करूंगा ताकि बच्चों को वो इजी से इजी हो सके और उनको सारे डाउट्स दूर हो सके, ठीक है ना। दूसरा जो इंग्लिश लैंग्वेज में पार्ट आता है, वोकैब का पार्ट है, थोड़ा सा स्टोरी बेस्ड का पार्ट होता है, तो उसके ऊपर भी हम प्रैक्टिस सेशन भी रखेंगे क्लासेस के साथ साथ, रेगुलर इनकी क्वेश्चनिंग शार्प हो सके, तो उससे रिलेटेड इनको हम अगली क्लासेस में आने से पहले मैं इनको होमवर्क के तौर पर एक वर्कशीट जरूर प्रोवाइड कराऊंगा ताकि ये अपडेट होते रहें और अपने सारे डाउट्स को वो क्लियर कर सकें हमारे साथ और हमारे वाईफाई चैनल पर, अनअकैडमी पर, ताकि ये आने वाले दिनों के लिए हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसके सुनहरे भविष्यकर्ता बन सके। बिल्कुल, ठीक है ना सर। यहाँ पे एक बच्चे का डाउट है, वो बोल रहा है कि यहाँ पे एक बच्चा है जो कि बोल रहा है सर क्या केवीएस की भी तैयारी करवाएंगे, केवीएस एग्जाम? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, एग्जाम के लिए बोल रहा है बच्चा, जो भी एग्जाम सब में। बिल्कुल 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 सर। तो गाइस जैसे कि विनीत सर ने आपको बताया कि इंग्लिश है जो कि आपको पढ़ाने वाले और जबरदस्त तैयारी करने वाले हैं, आपको प्रैक्टिस टेस्ट के अलावा जितनी भी आपको दोस्तों जरूरत है ना वो सारी चीजें दोस्तों आपको ये अवेलेबल है जो कि करवाने वाले हैं, तो आपको मजा आ जाएगा विनीत सर से पढ़ने के बाद में। आगे चलते हैं दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आपको अगर आपको सीटेट या कोई सा भी टीचिंग एग्जाम के लिए देना है दोस्तों, तो आपको पेपर वन पेपर टू की भी तैयारी करनी है, आपको एनवायरमेंट की भी तैयारी करनी है, आपको इंग्लिश हिंदी तो खैर आनी चाहिए, समझ लो मैथमेटिक्स भी बहुत जरूरी है, तो उसी के लिए दोस्तों आप लोगों के लिए वापस से हम इस बार हम मिलने वाले हैं अपने संदीप सर से दोस्तों। और संदीप सर आपको मैथ गुरु है और बहुत टाइम से दोस्तों 10 साल से टीचिंग एक्सपीरियंस है इनका, जबरदस्त आपको मैथमेटिक्स की क्लासेस है जो कि आपको अवेलेबल करवाने वाले हैं, और मैथ में आपका शायद ही कोई क्वेश्चन होगा टीचिंग के एग्जाम के अंदर जो आपका गलत होने वाला है संदीप सर से पढ़ने के बाद में, ठीक है गाइस। इंजीनियरिंग बैंकिंग के आपको मालूम है मैथमेटिक्स बैंकिंग में सबसे टफ आती है, और वहां पे इन्होंने SBI, BOB, देना बैंक, PO बहुत सारे एग्जाम है जो कि इन्होंने क्लियर किए, चाहे SSC हो चाहे बैंकिंग हो, बहुत सारे एग्जाम है जो कि इन्होंने क्लियर करके, इनफैक्ट सीटेट दोस्तों दिसंबर 2019 का भी क्लियर किया हुआ है, UPTET भी क्लियर किया हुआ है कई बार इन्होंने, तो आपको जो ऑलरेडी यूपी से भी कोई बिलोंग करते हैं तो आपके यूपी के एग्जाम या सीटेट के एग्जाम के अंदर बहुत मदद करने वाले हैं। वेलकम संदीप सर, बच्चों के साथ में क्या बताने चाहेंगे, कैसे आप इनको पढ़ाने वाले हैं? यस सर, नमस्कार दोस्तों। अगर जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि सीटेट हो या कोई भी टीचर्स एग्जाम हो में मैथ्स का भी रोल रहता है, मैथ्स यानी बात करें तो चाहे कोई भी वनडे एग्जाम हो टीचर्स का हो, लेकिन मेनली हम लोग यहाँ पर टीचर के लिए हमारे कैंडिडेट्स काफी बार मेरे व्हाट्सएप पे और कई मैसेज करें सर कैसे हम लोग टीचर्स की तैयारी करें, कि खासकर मैथ्स में नॉर्मल मैथ्स भी नहीं हो पाता है, क्योंकि मैथ्स में कुछ यहाँ पर जो आती चीजें बहुत बेसिक सी आती है और खासकर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर आती है, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग कैसे हो आपकी सोच बदलनी चाहिए, क्योंकि अब आपको एज ए टीचर बनने जा रहे हैं तो दैट मीन्स आपके अंदर वो टीचिंग अलायबिलिटी होनी चाहिए, तो टेस्टिंग जो सीटेट का एग्जाम हो या आरटेट का एग्जाम हो या कोई भी MPTET हो और UPTET हो, जितने भी या अभी सुपर टेट का एग्जाम हुआ वहां पर भी मैथ्स पेडागॉजी काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। जैसे हम बात करें सीटेट पेपर फर्स्ट में प्राइमरी लेवल का होता है, उस प्राइमरी लेवल में भी अगर आप बात करें तो 30 क्वेश्चन मैथ्स से आने हैं, मैथ्स पेडागॉजी है, जिसमें से आपके 15 क्वेश्चन नॉर्मल रहते हैं जो आपके नॉर्मल मैथ्स पढ़ते हैं, 15 अदर्स रहते हैं, लेकिन पेपर टू में बात करें तो 10 क्वेश्चन रहते हैं आपके पेडागॉजी से और लगभग 10 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन आपके रिमेनिंग पार्ट से होते हैं। दैट मींस ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन, लेकिन आपको हम यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे यानी वाईफाई के जो अनअकैडमी का जो आपका टीचिंग प्लेटफॉर्म है इस पर सब तरह के क्वेश्चन कराएंगे आने वाले मंडे से, जैसा सर डिस्कस कर रहे हैं कि क्लास होगी हमारी प्रॉपर वे से फुल फ्लैश क्लास होगी, यानी आपको पेपर वन की तैयारी भी होगी, केवीएस की जो कैंडिडेट बोल रहे सर कि केवीएस की तैयारी कैसे होगी, तो केवीएस का प्रिपरेशन भी हम आपको यहीं से कराएंगे, कहीं और इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस जैसे कि संदीप सर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और यकीन मानिए कि आपके वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है, यानी yes, कि आपको केवीएस हो, MPTET हो, कोई से भी राज्य का टेट का पेपर हो या फिर आपका कोई DSSB का पेपर हो, ठीक है, और yes. या फिर अगर आपका कोई दूसरा एग्जाम है, आपका टेट का एग्जाम, सीटेट का एग्जाम है, सबका वन स्टॉप सोल्यूशन मिलने वाला है, बेस्ट आपको दोस्तों यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। एक बार 7 दिन अगर आप अगले देखो मंडे से जो है ना, यानी कि 2 दिन कल संडे है, मंडे से रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, आप एक बार ज्वाइन करिएगा दोस्तों के साथ में, शेयर करिएगा, आपको मजा आ जाएगा क्लासेस करके, ठीक है गाइस, आपको खुद को फील होगा कि यार वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल रहा है, यहाँ पे आपको यूट्यूब पे बहुत अच्छी क्लासेस बैक टू बैक आपके लिए चलेगी और साथ में आपको नोट्स भी अवेलेबल होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाया जाएगा, आपको टेस्ट भी करवाए जाएंगे, कैसे क्वेश्चन आए वो भी करवाए जाएंगे, तो यानी कि वन स्टॉप सॉल्यूशन है जो कि आपको अवेलेबल होने वाला है।
अब चलते हैं आगे दोस्तों, अब हम मिलने वाले हैं रोहित सर से, जो कि आपको हिंदी दोस्तों जबरदस्त पढ़ाने वाले हैं। साइंस हो गया, फिर आपकी हिस्ट्री हो गई, जो आपकी जीके हो गई, रोहित सर दोस्तों आपको पढ़ाने वाले हैं। काफी सालों का इनके पास भी एक लार्ज एक्सपीरियंस है, हजारों बच्चों को पढ़ा चुके हैं। और आपको मालूम है दोस्तों, जीके के लिए जरूरी होता है कि इंटरेस्ट क्रिएट करना। रोहित सर आपके में इतना बढ़िया इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे आपके साइंस के अंदर, आपके हिंदी के अंदर, कि आपको मजा आ जाएगा ये सारे सब्जेक्ट करने के बाद में। आपको कभी ऐसा लगेगा ही नहीं आपका साइंस का सिलेबस पूरा हो गया और आपको लगेगा नहीं कि आपको और ज्यादा पढ़ना पड़ा है। क्योंकि क्या होता है कि अच्छे एजुकेटर की क्या अच्छी चीज क्या होती है कि बहुत सारे कोर्स को छोटा करके आपको अवेलेबल करवाते हैं। तो यही रोहित सर आपको करवाने वाले गाइस। वेलकम रोहित सर, बच्चों को क्या एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, है ना, जैसा भी आप फील करें बेटर। जैसा कि भुवनेश सर ने बोला कि वन स्टॉप सॉल्यूशन, बिल्कुल सही कह रहे हैं भुवनेश सर, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल टीचिंग एग्जाम्स, कोई भी एग्जाम हो सर टीचिंग का। जैसे बच्चा भी बोल रहा था, किसने आपने बताया कमेंट में कि केवीएस की तैयारी, केवीएस हो चाहे एनवीएस हो, चाहे वो कोई भी डीएसएसबी हो, यूपी ट्रिपल एससी, या कोई भी टीचिंग एग्जाम किसी स्टेट का हो, टेट हो, सीटेट, सारे एग्जामों के लिए जो भी सब्जेक्ट यहाँ पे, जैसे संदीप सर मैथ पढ़ाएंगे, इंग्लिश पढ़ाएंगे हमारे विनीत सर, मैं जो पोर्शन लेके चलूंगा उसमें बिल्कुल टू द पॉइंट, और जो पढ़ाएंगे सर, जैसे भुवनेश्वर, मेरा एक कंसर्न रहता है स्टूडेंट से कि ये बस अगर ये मुझे सुने ध्यान से, और मेरे चीजों को ऊपर ध्यान सुने, और जो मैं लिखता हूँ उसको ध्यान से देखें, तो इनके दिमाग में उसी टाइम चीजें बैठ जाती हैं, अलग से इनको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती। मेरा अपने कंटेंट पे इतना भरोसा है भुवनेश्वर, है ना। तो अगर स्टूडेंट से मैं यही बोलूंगा कि बस वो मेरी क्लास में प्रॉपर रेगुलर रहेंगे तो उनको कोई दिक्कत कभी किसी एग्जाम में नहीं आने वाली है। जैसे लास्ट टाइम सर भुवनेश्वर, अभी मेरे पास कई स्टूडेंट ने बोला भी कि सर आपने जो भी हिंदी पढ़ाया था, साइंस पढ़ाया था, और जो पैदावागी में आपने हमें थोड़ा सा डील किया था, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन इस बार सीटेट में थे भुवनेश्वर, है ना। और बच्चों ने काफी हमको पर्सनल विंडो पे भी अपने स्कोर कार्ड भी उन्होंने शेयर किए थे कि सर आपकी कृपा से साइंस हिंदी एंड ऑल, अब क्या उसमें बताया जाए। खैर, तो ये तो बाकी ये जुड़ेंगे बच्चे तो अपने आप समझ जाएंगे कि क्या रहेगा खेल, एकदम धुआं मचेगा यहाँ पे सारे एग्जाम को लेकर। तो जैसे रोहित सर ने बाकी बिल्कुल सही है सर। तो रोहित सर, आप इनको हिंदी के अंदर भी इनपुट देने वाले अपने या सिर्फ जीके के अंदर देने वाले? बिल्कुल सर, हिंदी और साइंस को लेके चलेंगे। और जैसे कि अगर हम बात करें कि पेपर वन हो चाहे पेपर टू हो, है ना, टेट का, सी टेट का, दोनों की बात कर रहे हैं हम, चाहे किसी भी स्टेट का टेट हो या सी टेट की बात करें, पेपर वन पेपर टू दोनों में हिंदी आती ही है। और हिंदी में साथ साथ अगर हम बात करें पैडागॉजी के भी क्वेश्चंस होते हैं, तो सब्जेक्ट पैडागॉजी भी हम लेके चलेंगे बराबर, है ना। 50-50 का रेशियो रहता है, अगर जैसे हम बात करें पेपर टू की, है ना, पेपर टू में सर 50-50% हमारे सब्जेक्ट कंटेंट होता है और 50% सब्जेक्ट पैडागॉजी होती है सर, है ना। तो बिल्कुल बच्चों, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जिस तरीके से भी पेपर बनता है, जैसे पैटर्न आता है, अगर सिलेबस चेंज भी हुआ तो भी हमें आपको बिल्कुल नर्वस नहीं होना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, हम बिल्कुल एकदम आपके सपोर्ट में खड़े हुए हैं। चाहे पैडागॉजी का कोई क्वेश्चन हो, चाहे कंटेंट पोर्शन पे कोई क्वेश्चन हो, हम बिल्कुल एकदम धुआं मचाएंगे, एज इट इज वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, ये मैं दावा कर रहा हूँ भुवनेश्वर, है ना, बिल्कुल बहुत तगड़ी लगन से। ये तो बिल्कुल भरोसा है कि विनीत सर हो, अपने संदीप सर हो या रोहित सर हो, गाइस जो आपको पढ़ाने वाले हैं वही आपके एग्जाम में आने वाला है। तो इस चीज की फिक्र आपको छोड़ देनी है कि कौन सी किताब में से पढ़े, कितना पढ़े, क्या पेपर में आएगा, क्या नहीं आएगा, ये सब आपको लोड लेने की जरूरत नहीं। सारी हेडेक हम लोगों की, हाँ बिल्कुल, ये सारी जिम्मेदारी जो है वो संदीप सर, रोहित सर और विनीत सर की है कि आपको एक अच्छा कॉन्टेंट अच्छे टाइम पे अच्छे तरीके से अवेलेबल करवाया जाए, ताकि आपके कोई भी टीचिंग एग्जाम के अंदर किसी भी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आप भरोसा रखिए, अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करें, अपने रेगुलर क्लासेस करें, जैसे आपको बताया जाएगा, गाइड किया जाएगा। शुरुआत में मंडे ट्यूसडे हम कोशिश करेंगे कि आपको अपने एक्सपीरियंस के द्वारा दोस्तों विनीत सर, रोहित सर और संदीप सर आपको वीडियोस अवेलेबल करवाएंगे कि कैसे आपको तैयारी करनी है, कौन से सब्जेक्ट की, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे आपको प्रिपेयर करना है, समझ लो आने वाले महीने के अंदर किस तरीके से आपको प्रिपरेशन को बूस्ट करना है। तो आपको ये सारी तरीके बताए जाएंगे ताकि आप स्मार्ट प्रिपरेशन कर सके। बात सिंपल सी है, देखो तैयारी तो बहुत सारे बच्चे करते हैं, लाखों बच्चे तैयारी करते हैं, लेकिन जिनका सिलेक्शन होता है और जिनका नहीं होता, उसमें फर्क यही है कि कौन स्मार्टली मेहनत कर रहा है। स्मार्टली मेहनत करने के लिए सिंपल सी बात है, जो एक्सपीरियंस जिनके पास है वही आपको बता सकते हैं कि स्मार्टली कैसे पढ़ाई होती है, क्योंकि अगर आप खुद सीखने लगोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों आपके लिए बेस्ट टीचर आ चुके हैं, आपको बेस्ट सिंगल प्लेटफॉर्म पे KVS, NVS, जो जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो सारी क्लासेस दोस्तों सुबह से लेकर शाम तक चलाई जाएगी आपके लिए, और मजा आ जाएगा आपको सारी क्लासेस करके, यकीन मानिए। चाहे वो हिंदी मीडियम का बच्चा हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, दोनों बच्चे दोनों तरीके से बढ़िया तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों के ऊपर है गाइस, कि हर एक बच्चा जो जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो सभी दोस्तों अपने टीचिंग एग्जाम की बढ़िया तैयारी कर सके,
और अपनी तैयारी को आगे लेके जा सके। ठीक है, और कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे रोहित सर, विनीत सर, संदीप सर, कुछ? बस ये भी कहेंगे सर कि अब बस, हाँ संदीप सर आप कंटिन्यू करिए प्लीज। नहीं अब बोलना चाहिए, बोल लीजिए। जैसे मैं बोल रहा था, एक बच्चे का कमेंट था कि सर सुपर टेट में क्या होता है, तो सुपर टेट भी हम लोग प्रिपेयर कराएंगे जिस तरह से हम लोग सीटेट, क्योंकि देखो सीटेट या आप यूपी टेट क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन जैसा कि अभी हमारे यूपी में हुआ है कि सुपर टेट भी क्वालिफाई के अलावा मेरिट भी बनानी है, क्योंकि बाकी सीटेट में क्या होता है क्वालिफाई रहता है, लेकिन हम लोग सुपर टेट की बात करते हैं तो वहां पर आपको मेरिट भी बनानी है। दैट मींस सिर्फ क्वालिफाइंग नहीं कि ओनली 60% यू गेट मोर मार्क्स, तो उसके लिए करना कि हर एक पार्ट को, चाहे आपका मैथ्स पेडागोजी हो, चाहे नॉर्मल चाइल्ड पेडागोजी हो, या फिर आपका इंग्लिश, जो भी आपका सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट को प्रॉपर फोकस करना होगा, अदरवाइज कहीं ना कहीं आप मेरिट में पीछे रह जाएंगे। उसकी प्रिपरेशन क्या है, किस तरह से करें, सब कुछ यहीं पर होगा। बिल्कुल, यहाँ पे मुकेश जी पूछ रहे हैं कि राजस्थान प्री टेट के सेकंड ईयर बीएड एग्जाम के लिए क्लासेस। देखो मुकेश, वैसे राजस्थान की जो टीचिंग एग्जाम है उसकी क्लासेस वाईफाई स्टडी 2.0 के ऊपर चल रही है, लेकिन उसके बाद भी कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए भी क्लासेस स्टार्ट कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा सुपर टेट के बारे में सर ने बता दिया है गाइस कि सुपर टेट के लिए आपको यूपी का बहुत बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, संदीप सर को हो गए, रोहित सर को हो गए, ठीक है, और तो आप विनीत सर हो गए, तो आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है यार, यूपी एमपी बिहार ओके, ये एग्जाम तो आपको कहीं छूटने ही नहीं है, आप मस्त होके प्रिपरेशन करना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो सुपर टेट के लिए भी क्लासेस आपकी अवेलेबल हो जाएगी और चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक है गाइस, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में, ताकि सारे बच्चे मंडे से जब क्लासेस स्टार्ट हो जाए तो सारे बच्चे दोस्तों क्लास में आ जाने चाहिए, रेगुलर करोगे क्लासेस को, भरोसा करके करोगे तो मजा आ जाएगा आपको क्लासेस करने में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है गाइस, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, विनीत सर से, रोहित सर से, संदीप सर से आप मिल चुके हैं, ये आपको दोस्तों मंडे से रेगुलर क्लासेस अवेलेबल करवाएंगे, तब संडे को भी कोशिश करेंगे कि 5-5 मिनट की आपको आपके लिए कोई सिलेबस का या क्लास के शेड्यूल का ये सारे वीडियो जो है आपको डाल देंगे चैनल के ऊपर, ताकि आपको शेड्यूल के बारे में पता लग जाएगा कि मंडे को कौन सी क्लास कब होने वाली है। ठीक है गाइस, तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा, लाइक और शेयर जरूर करेगा, और आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। Okay, sir.